हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग सेंटर। आई एम निशा गुप्ता फ्रॉम जीसीसी। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमारे पास आज इस वीडियो में एक क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है शो करो कि जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फाइंड इट 16th नंबर एंड द जनरल टर्म। ठीक, तो इसको करने से पहले मैं आपको बोलूँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस बेल आइकन करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। ओके, चलो अब हम करते हैं अपने काम की ओर ध्यान करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। शो द प्रोग्रेशन 7, 2, -3, -8 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड इट 16th टर्म एंड जनरल टर्म। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डी क्या है 2 -7 = -5, थर्ड टर्म -3 -2 = -5, -8 + 3 = -5। इट मीन्स डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई कॉमन डिफरेंस की, -5। क्लियर, अगर कॉमन डिफरेंस है तो हम क्या कहेंगे कि गिवन प्रोग्रेशन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उन्होंने बोला था शो करने के लिए कि बताओ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यस, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बिकॉज इसमें कॉमन डिफरेंस जो आया है वो सेम है। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे इसकी 16th टर्म को सॉल्व करने के लिए t16 की वैल्यू को हमें निकालना है। t16 क्या होता है हमारे पास, a + 15d। हमारे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है। a की वैल्यू क्या है 7, 15, d की वैल्यू है -5, 7 - 75। 7 - 75 आपके पास आंसर कितना आ गया, -68। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है इसकी जनरल टर्म भी निकाल के दिखाओ। जनरल टर्म को कैसे लिखते हैं, tn क्या आएगा, a + n - 1 * d। a आपके पास कितना है 7 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू आपके पास कितनी है -5। तो क्या आ गया 7 - 5n + 5। सो रिजल्ट आपके पास आ गया 7 + 5 = 12 - 5n। ये आपके पास क्या आ गई जनरल टर्म की वैल्यू 12 - 5n, एंड 16 टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई -68। क्लियर, सो इस वे के साथ हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।